अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद है सब व्यूअर्स खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए पौने चार मरले का बड़ा खूबसूरत घर लेकर आया हूँ, कॉर्नर में और डबल यूनिट के साथ, तीन बेडरूम अटैच पाथ में। इसकी हम लोकेशन की बात करें, सेंट्रल पार्क के A1 ब्लॉक में ये घर वाक़िया है और कॉर्नर का आपको घर मिलता है बड़ी प्यारी लोकेशन में। और इसके नियरली आपको 100 फीट का रोड भी मिलता है और इसके नियरली आपको यहाँ पे इस ब्लॉक की आपको पार्क मिलती है, मस्जिद आपको यहाँ बिल्कुल ये देख सामने आपको देखने को मिलती है। बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे ये घर है, छोटी सी फैमिली के लिए एक बड़ा प्यारा तोहफा है। तो चलिए मैं पूरा घर आपको विजिट करवाता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपके साथ रेट भी शेयर करूँगा और इंशाल्लाह मेरा नंबर भी आपको मिलेगा। और अगर आप ये घर लेना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिलेगा। तो आप घर देख सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन बड़ा खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है, पौने चार मरले में कॉर्नर का घर है। और ये आप देख सकते हैं ये इसका गैराज, इसमें टोटल नीचे टाइल का वर्क हुआ है और ये लोहे का तकरीबन 16 गेज में आपको ये इसका गेट है। और इस तरह जब गैराज में एंटर होते हैं तो इसका कार पोर्च है, इसमें एक छोटी कार इजीली पार्क हो जाएगी। और ये इसमें आप साइडों पे देख सकते हैं बड़ी प्यारी निशें तैयार हुई हैं, इसमें अल्लाह का नाम बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। और ये इसका फ्रंट है, आप देख सकते हैं ये लिविंग रूम की ये एंट्रेंस है, इसी तरह इसकी ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस अलग है और ऊपर जाने की जो एंट्रेंस है वो अलग है। तो अंदर चलते हैं, ये है इसका लिविंग रूम, बड़े डिसेंट डिज़ाइन में घर तैयार हुआ है, बड़ा प्यारा घर ये तैयार किया गया है। इसके लेफ्ट साइड पे जैसे हम एंटर होते हैं बड़े खूबसूरत वुडवर्क का मिलता है, ये छोटा सा स्टोर। और इसी तरह ये इसका पाउडर रूम है और ये इसका लिविंग रूम में आपको ये मीडिया वॉल मिलती है और ऊपर बड़ी प्यारी आपको डिसेंट सीलिंग। लेफ्ट साइड में आपको निशेज मिलती हैं जिसके अंदर 3D वॉलपेपर लगा हुआ है। और फ्रंट में आप देख सकते हैं ये इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है, लोहे की ग्रिल है और इसी तरह एलुमिनियम की इसके में आपको विंडो मिलती है। और ये है इसका बेडरूम है, नीचे आपको एक बेडरूम मिलता है अटैच बाथ के साथ। तो ये इसका बेडरूम है, इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बड़ा प्यारा वो निश्चित का वर्क हुआ है और इसमें 3D वॉलपेपर भी इंस्टॉल किया है, अच्छी डिजाइनिंग की है। ये इसकी वार्डरोब है, इसकी लकड़ी की अलमारी बनी हुई है और ऊपर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डिसेंट सीलिंग हुई है और वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडो भी दी है। और इसी तरह ये इसका अटैच बाथ, इसमें आपको कमोड इंस्टॉल मिलता है, वेंट बड़ी आपको खूबसूरत मिलती है और सेंसर वाला ग्लास और टोटल जो है साइडों पे आप देख सकते हैं टाइल लगी हुई है, ऊपर आपको इसमें सीलिंग जो की हुई है। और ये आप देखें ये लेफ्ट साइड पे आपको साथ ही इसका किचन, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का जो किचन है ग्राउंड फ्लोर का, इसमें आपको ये टोटल मार्बल की शेल्फ और ये चूल्हा आपको इंस्टॉल मिलेगा। इसी तरह ये एग्जॉस्ट मशीन है, इसमें कैबिनेट्स आपको टोटल मुकम्मल मिलते हैं, फिटिंग आपको मुकम्मल मिलेगी। पीछे वेंटिलेशन के लिए आपको इसके LDA लॉक के मुताबिक इसमें गली मिलती है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने के लिए आप देखें रास्ता अंदर से भी है और बाहर से सेपरेट भी है। अगर आप इस रास्ते को अलग ऊपर वाला पोर्शन अलग करना चाहते हैं तो इसमें दरमियान में आप कुछ वुडवर्क करवा के या कर्टन यानी पर्दे लगा के आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, तो ऊपर इस सीढ़ी में आप देख सकते हैं मार्बल लगा हुआ है और ये स्टील की ग्रिल है। सर लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी निश्चित है और इसमें 3D वॉलपेपर भी इंस्टॉल है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो सामने ही आपको मीडिया वॉल मिलती है, ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सीलिंग है। और इसका जो किचन है वो आपको ओपन मिलता है और इसमें आपको चूल्हा भी इंस्टॉल मिलता है, कैबिनेट्स भी हैं और इसमें मार्बल की आपको शेल्फ भी यहाँ पे लगी हुई है। और ऊपर आपको दो बेडरूम और उसमें अटैच बाथ मिलती है। तो इसका फर्स्ट बेडरूम है ऊपर, इसमें देखें ये इसकी अलमारी है, वार्डरूम फुल हाइटेड में और ऊपर आप सीलिंग देखें। पीछे वेंटिलेशन के लिए आपको खिड़की भी यहाँ पे लगी मिलती है और ये इसका अटैच बाथ है, इसमें फ्लश इंस्टॉल है, टोटल फिटिंग आपको मिलेगी, रेडी टू मूव घर मिलेगा। और मैं प्राइस भी मुनासिब है लोकेशन के हिसाब से, फिर कॉर्नर का घर है उस हिसाब से। तो ये इसका सेकंड बेडरूम है, इसमें जैसे आप एंटर होते हैं देखें इसमें जो सीलिंग है बली बहुत ही डिफरेंट और बहुत प्यारी सीलिंग की है। सामने देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो है और सामने मस्जिद भी नज़र आ रही है, अभी असर की नमाज का वक्त भी है तो इंशाल्लाह मैं नमाज के लिए भी जाऊँगा, आप भी नमाज की पाबंदी करें। तो ये इसकी इस कमरे की जो अलमारी है लकड़ी की वो ये आप साइड पर देखने को मिलती है, फुली हाइटेड आपको मिलेगी। और ये इसका अटैच बाथ है, इसमें आपको कमोड इंस्टॉल मिलता है और इस तरह ये बेसिन इंस्टॉल, इसमें सेंसर वाला आपको ग्लास मिलता है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ कि हमें ऊपर क्या मिलता है। ऊपर चलते हैं तो इसी तरह जो सीढ़ियाँ यहाँ पे इसमें मार्बल लगा हुआ है और स्टील की ग्रिल भी आपको मिलती है। और जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये आपको एक ममटी मिलती है,
इसमें हम घर का जो एक्स्ट्रा सामान है, जो फिल घर का जो एक्स्ट्रा सामान है जिसकी मौके पे जरूरत नहीं होती, उस सामान को हम ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और ये है इसकी छत, छत में देखें नीचे टाइल लगाई है, ऊपर सीमेंट डाला हुआ है, लीकेज के इंशाल्लाह यहाँ पे इशू नहीं होगा। काफ़ बहुत अरसे से टाइल लगाई जाती हैं तो वो टाइल यहाँ पे लगी हुई है। और इस घर के हम रेट की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है सिर्फ 1,45,00,000 है। लोकेशन आप देखें, आस पास व्यू जो है घर के अराउंड जो व्यू बड़ा प्यारा है, सामने पार्क है, मस्जिद है, रोड 40 फुट वाइड रोड मिलता है, सामने ये 100 फुट का वाइड रोड है। और बड़ी मुनासिब कीमत में छोटी सी फैमिली के लिए बड़ा प्यारा तोहफा है, 1,45,00,000 की इसकी डिमांड है। अगर आप लेना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।